सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ समाज विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उसके उत्तर। आपको दोस्तों आग लगा देना पेपर में एकदम बेहतरीन ढंग से, 100% आपका तैयारी यहाँ पर मैं कराऊंगा और 90% प्लस का मैं यहाँ पर टारगेट लिया हूँ। और बता दो, 2022 बोर्ड एग्जाम में 90+ आप जरूर से लाएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरा साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा साथ देते हैं तो आराम से आपका 90+ आएगा, क्योंकि मैं आपको पता है डेली वीडियोज यहाँ पर ला रहा हूँ और सभी वीडियोज बहुत ही लंबी लंबी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें बता रहा हूं, देखिए मैं आपका साथ दूंगा, पूरे एग्जाम तक आपका साथ रहेगा, लेकिन आपको साथ बस यही देना है कि मैं जो चीजें पढ़ाऊं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको पढ़कर वही लिखना है, वही चीजें आपको आपको समझनी है अच्छे से, बस आपको इतना मेरा साथ देना है। बाकी बोर्ड एग्जाम में 90% लाने की गारंटी जो है वो मैं आपको दिलाता हूं। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। जी हां, अपने दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास शेयर करिए, ताकि उनके पास यह वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा पाए, 90+ ला पाए। अगर वो चाह रहे हैं कि अभी से हम एक महीने के अंदर पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सके, अब वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान, जो आपका SST है, सोशल साइंस। आपको बताऊंगा कि जो सोशल साइंस है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उसके उत्तर भी बताऊंगा, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता देंगे। देखिये, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम बताइए। देखिए, इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताना है कि इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें प्रसिद्ध व्यक्ति आखिर कौन कौन थे। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे। तो आपको लिखना है कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्ति थे, सबसे पहले तो थे जुसेप्पे मेसिनी सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उसके बाद है काउंटी कैम्बिलो डी काबूर, ये इतना बड़ा नाम है, देखिए काउंटी कैम्बिलो डी काबूर, आप इसको चार बार पढ़िए आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए काउंटी कैम्बिलो डी काबूर ये है दूसरा नाम, और यहाँ पर है जुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो ये देखिए तीन नाम यहाँ पर आपको दिख गए, जुसेप्पे मेसिनी, काउंटी कैम्बिलो डी काबूर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो देखिए दोस्तों ये होगा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से जहन में बैठा लीजिए, इसको मैंने आपको पहले बताया, आप एक नोट्स बनाइए उसमें सारे क्वेश्चन लिखते चलिए। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम आगे, हमारा आगे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए आगे हमारा रिंडरपेस्ट की परिभाषा दीजिए। देखिए रिंडरपेस्ट की परिभाषा देखिए, आखिर रिंडरपेस्ट क्या था। तो देखेंगे यह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है, जो रिंडरपेस्ट है वह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। यह रोग जीवाणुओं से पनपता है, यह रोग किससे पनपता है, जीवाणुओं से पनपता है, और रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है। जो रिंडरपेस्ट है उसे पशु प्लेग या फिर मवेशी रोग भी कहते हैं। देखिये यह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है और यह रोग जीवाणुओं से फैलता है या फिर जीवाणुओं से पनपता है यह रोग। और देखिए रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग कहा जाता है, क्या बोलते हैं, रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है। तो देखेंगे यह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है और यह रोग जीवाणुओं से पनपता है, और रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है। रिंडरपेस्ट को अगर कोई पूछे कि क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो पशु प्लेग बताएंगे या फिर मवेशी रोग, या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि मवेशी रोग की परिभाषा दीजिए या फिर पशु प्लेग की परिभाषा दीजिए। तो आपको यही लिखना है कि यह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है और यह रोग जीवाणुओं से पनपता है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया। अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया, उन्होंने कौन सा दबाव बनाया कि कौन से प्रकार की यहाँ पर खेती की जाएगी। तो देखिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेज यहाँ पर मतलब हमने अच्छा नहीं लिखा है, इसे आप लिख लीजिएगा, जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय किसानों पर नील तथा अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया था, मतलब उन्होंने भारतीय किसानों से जबरन नील की खेती और अफीम की खेती करवाई थी। तो आप लिख सकते हैं कि किसानों ने भारतीय किसानों पर नील तथा अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया था। तो ये इस प्रकार से हमारा तीसरे क्वेश्चन का भी उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों देखेंगे हमने चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है भूमि संसाधन के किन्हीं दो महत्व को स्पष्ट कीजिए, या फिर भूमि संसाधन के किन्हीं दो महत्व को बताइए। आखिर भूमि का जो संसाधन है उसका दो महत्व कौन कौन से होंगे, आइए दोस्तों आपको बताते हैं ये दो महत्व है। आपको सभी चीजें यहाँ पर हम समझाते चलेंगे। आप लोग वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, इतनी देर से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब। अब देखते हैं सबसे पहला है, सबसे पहला महत्व है मनुष्य के जीवन का आधार है जो भूमि संसाधन है, उसका दो महत्व बताना था। तो सबसे पहला है मनुष्य के जीवन का आधार है भूमि संसाधन, ये हो गया हमारा पहला महत्व। दूसरा महत्व है प्राथमिक उद्योग का विकास। दूसरा महत्व क्या है, प्राथमिक उद्योग का विकास है। तो देख सकते हैं दो है हमारे पास यहाँ पर महत्व भूमि संसाधन का। पहला है कि मनुष्य के जीवन का आधार है जो भूमि संसाधन है, वह क्या है, मनुष्य के जीवन का आधार है। और दूसरा प्राथमिक उद्योग का विकास। तो देख सकते हैं दो यहां पर हमने इसका महत्व बताया है। अब देखते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना पांचवा क्वेश्चन है, देखिए पांचवा क्वेश्चन हमें इसे क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि खादर एवं बांकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये आप बना लीजिए, इसमें आप तीन स्टार लगा दीजिए। बांगर और खादर ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, जहां पर अंतर जो स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको आप मोस्ट आईएमपी में लिख लिया करिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बेहद जरूरी होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर खादर किसे बोलते हैं, तो चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि वह भूमि जहां बाढ़ में पानी के निरंतर पहुंचने से नवीन जड़ोल मृदा का जमाव पाया जाता है खादर कहलाती है। मतलब वह भूमि, ऐसी भूमि जहां पर बाढ़ में पानी के निरंतर पहुंचने से, जहां पर जो बाढ़ होती है, बाढ़ का पानी जो होता है, बाढ़ में जो पानी आता है वो निरंतर मतलब लगातार पहुंचने से जो नई जड़ोल मिट्टियां होती हैं उसी का वहां पर जमाव हो जाता है। तो जब नई जड़ोल मिट्टियों का वहां पर जमाव हो जाता है उसे हम खादर कहते हैं। आप समझ गए, वह भूमि जहां बाढ़ में पानी के निरंतर पहुंचने से नई जो जड़ोल मिट्टी होती है उसका जमाव हो जाता है उसे हम खादर कहते हैं। तो देखिए खादर की ये है डेफिनेशन। अब इसके बाद देखते हैं बांगर की। देखिए बांगर की, बांगर है बांगर, तो देखिए बांगर की जो डेफिनेशन है कि किसी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता है और वहां पुरानी मृदा बनी रहती है उसे बांगर कहते हैं। बांगर, बांगर में समझिए जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता है। खादा में क्या था, जिनमें बाढ़ के पानी का निरंतर पहुंचता रहता है जिससे नई जड़ोल मिट्टियां आ जाती है और नई जड़ोल मिट्टी से जो बनता है उसे हम खादर कहते हैं। लेकिन वहीं पर जो बांगर है, तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है वहां पर पुरानी मृदा बनी रहती है उसे हम बांगर कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमने छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है काली मिट्टी के की कोई चार विशेषताएं लिखिए। देखिए काली मिट्टी की चार विशेषताएं हमें लिखनी है, तो देखते हैं चार विशेषताएं। आपको एक दो तीन चार विशेषता दिख रही होंगी, आइए सारी विशेषता आपको समझाते हैं। दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और एक चीज आपको बता दूं, टेलीग्राम पर आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर मैं इन सभी चीजों का पीडीएफ देता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, आराम से वहां पर ज्वाइन हो जाइए। देखिए काली मिट्टी की कोई चार विशेषताएं लिखिए। काली मिट्टी की हमें यहाँ पर चार विशेषताएं लिखनी है, तो सबसे पहली विशेषता है कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है वह कपास के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद दूसरी है नमी धारण करने की अधिक क्षमता। काली मिट्टी में नमी धारण करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। और तीसरा है इसकी विशेषता, पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। काली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चौथा है ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। कपास के लिए उपयुक्त होती है, जो कि कपास ज्यादातर गुजरात में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। गुजरात, तो गुजरात की मिट्टी कैसी होती है, काली, ये भी ध्यान हो गया। और नमी धारण करने में की अधिक क्षमता होती है काली मिट्टी में, जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। एंड पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है। अब देखेंगे दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है, जल संसाधनों के दो प्रकार बताइए। देखिए दोस्तों हमें जल संसाधनों के दो प्रकार बताने हैं, जो कि हमारा सातवां क्वेश्चन। सबसे पहला प्रकार है सतह का जल। देखिए सतह का जल में क्या आता है, नदी जो हो गया, नदी पे पता है आपको सतह का ही जल रहता है, और तालाब हो गया, तालाब भी आपको पता है सतह का ही जल। उसके बाद जो झरने, तो मतलब जो ऊपर से जो इसमें जो जल दिखता रहता है, जैसे ये मान ली नदी हो गई, नदी में देखिए पानी ऐसे बह रहा है तो ऊपर ही दिख रहा है, तो ये सभी हो गया सतह का जल। और देखिए
भूमिगत जल। भूमिगत जल जैसे कुआं होगा, कुएं में देखिए पानी अंदर रहता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कुआं बना दिया, देखिए ऐसे ही रहता है ना कुआं, ऐसे ही रहता है कुछ कुआं, ऐसे 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 इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको कुआं बना दिया, तो कुएं का पानी यहां रहता है, आपकी जमीन यहां है, पानी है यहां, और लेकिन जो नदी उदी है उसका यहीं पर ऊपर ही रहता है पानी। ऐसे नदी है तो इसी के ऊपर ऐसे बहता रहता है, तो इसको बोलेंगे भूमिगत जल कुएं वाले को, इसको बोलेंगे सतह का जल। उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है उत्तरी भारत की किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। जो उत्तरी घाटी है मतलब उत्तरी भारत की किन्हीं दो नदी परियोजनाओं के नाम लिखना है, मतलब उत्तरी भारत में कौन कौन सी नदी परियोजना है, तो किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास नदी घाटी परियोजना है वह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। सबसे पहली परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना जो कि है भागीरथी एवं भिलंगना। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको बोलते हैं दामोदर। तो देख सकते हैं दो हमारे पास नदी परियोजना है, टिहरी जल विद्युत परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आपको बताया दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको 8 क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिया, और इन क्वेश्चन ये शायद जो कितने क्वेश्चन बताए आप इसको एकदम 100% आप याद कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप एक नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट्स मतलब 10-20 रुपए की कॉपी लीजिए, उसी में ये सारे क्वेश्चन लिखा करिए जो मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपके लिए याद हो जाए, अच्छे से आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को करना है शेयर, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप सभी कमेंट करते रहेंगे तो आप भी हमसे जुड़े रहेंगे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब आइए मिलते हैं हम आपको और किसी नेक्स्ट वीडियो में।